छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेता राजेश मूणत इन दिनों सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहे हैं। क्यों वायरल हो रहे हैं? क्योंकि उनका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उनको रोते हुए आप देख रहे हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, उन्हीं से पूछेंगे। राजेश मूणत जी, आखिर रोना क्यों पड़ रहा है आपको? जिस प्रकार की छत्तीसगढ़ की स्थिति बना के रखी है जी, बिगड़ती कानून व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ते हुए शहर में क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा, छेड़खानी हो, चाकूबाजी हो, चोरी हो, उठाईगिरी हो, ये कॉमन चीज हो गई। रोज समाचार पत्र रंगे पड़े रहते हैं कि जिसके अंदर आज चाकू मार के चला गया, आज इसको छिना झपटी कर ली। यातायात वाला घूमता है बेचारा स्कूटर का, गांव वाला आता है, यातायात मेंटेन नहीं करते, लेकिन खाली उसको पकड़ के किनारे लाते हो, पैसा वसूल अभियान ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। आए दिन समाचार पत्रों में छपते, पेपरों में छपते, थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। ये स्थिति हो गई है कि थाने के अंदर रिपोर्ट लिखने के लिए बड़े नेताओं की अप्रोच जाएगी तब सर ठीक है साहब, एक काम करो आप लीक करके दे दो बयान। तो ये स्थिति इस प्रदेश की हो जाए और आप पेपर में सुर्खियों बटोरने की कोशिश करते हो और आप कहते हैं कि साहब कोई चिंता आप आइए, मैं तो कभी भी FIR लिखने को तैयार हूँ। अरे गरीब परिवार से पूछो जो सामने वहाँ बैठ करके रोते हुए मैंने देखा अपनी आँखों से, और तब जाकर के मेरे को उस रोल के अंदर वो विनती करना पड़ी। अरे विवेचना तो करोगे, FIR तो लिखोगे, गरीब की आहत तो मत लो, गरीब की बात तो सुन लो, सही क्या है गलत क्या है वो तो कल विवेचना में आ जाएगा जानकारी। लेकिन थाने आएगा एक गरीब परिवार बैठा रहे घंटों और उसकी आप FIR नहीं लिखो। गांव का आदमी आए शहर के अंदर तो उससे गाड़ियां 500 रुपये लेके आता बेचारा, उसको पुलिस वाला झपट लेता है। ये छोटे मोटे खोमचे लगाते हैं उनकी दुकानों में जाके पैसा वसूल कर रहे, खुलेआम दिख रहे। ये अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा चल रहा है तो खोमचे की दुकान, अरे खोमचे वाले क्या लेने दे रहे मेरे भाई, मुख्यमंत्री जी किसी कार्यक्रम में आएंगे चले जाएंगे, उन दुकानों को बंद करा दो आप, और जाकर के वहाँ गुंडागर्दी करते हैं, खुलेआम मार करके चले जाते हैं, उसके बाद में भी शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। मैं भी समझता हूँ इस चीज़ को कि मेरे को बोलने के पहले, लेकिन मेरे को तरस आती है तब जाकर के मैंने उस रोल में आकर के विनती की, याचना की, अरे गरीब परिवार की FIR तो लिख लो, बहुत मार रहे हैं साहेब। राजेश मूणत जी, आप ही के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का एक बयान आया था जो काफ़ी चर्चा में रहा, बुलडोजर चलेगा अपराध के खिलाफ। आप बोल रहे हैं अपराध बढ़ रहे हैं, सरकार 23 में बनाने के बाद बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है, समर्थन करेंगे? देखिए बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर का एक मायना है, हाँ। एक मीनिंग है, हाँ। भय आतंक से मुक्ति मिलेगी, सरकार का डंडा भी चलेगा, बुलडोजर भी चलेगा, और जो कानून को अपने हाथ में लेंगे और जो अपने आप को नुमाइंदा समझ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कानून से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, जनता को राहत मिलना चाहिए, जनता को सहूलियत मिलना चाहिए, जनता परेशान नहीं होना चाहिए, और हमें अपने रवैये को, प्रशासनिक रवैये को बदलना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, उन्होंने इस बात को भी कहा है, उन्होंने ये कहा था कि पुलिस को अपने रवैये को चेंज करना पड़ेगा, पब्लिक का समर्थन झिकना पड़ेगा, पब्लिक के बीच में अपनी छवि को अच्छा बनाना पड़ेगा। सामान्य बात है, कल की एक घटना बताता हूँ मैं आपको जी। क्या जरूरत है जनप्रतिनिधियों को घर से उठाने की? मेल मुलाकात कार्यक्रम आप कर रहे हैं, जनता से मिलने जा रहे हैं ना? आपने 4 साल में जो काम किया, जनता से अरूबरू हो रहे, संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आपने निमंत्रण दिया, आपने बुला रहे हो एक तरफ, और उन पार्षद जो विरोधी दल के हैं उनको घर से उठा करके ले जा रहे हैं, तो फिर मेल मुलाकात क्यों कर रहे हो भाई? जब जिनसे मिलना उनको घर बुला के बैठ लो ना, या पूछ लो, जरूरत क्या है? तो कानून का भय भी दिखाओ और बात भी नहीं रखने दोगे, ये तो इस टाइप की बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ विरोध का, हाँ। मैंने कल भी कहा और आज भी कहता हूँ, मैं नियम कानून कायदा का हूँ, लेकिन जिस थाने के अंदर आप जाके कहते हैं, मैं पूछता हूँ रायपुर शहर के अंदर क्राइम के अंदर किस TI को आपने सस्पेंड कर दिया, किस SP को आपने नोटिस दे दिया? शहर में मुख्यमंत्री जी निकलते हैं चारों तरफ से दिखता है, यहाँ ट्रैफिक से लेकर शहर के बीच में ट्रैफिक आप प्रतिबंधित करके रखे हैं, वहाँ ट्रैफिक खुलेआम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती है,
तो आपने क्या राजधानी को किस रूप में देखना चाहते हैं साहब? मैंने आपने भी आपके माध्यम से कहता हूँ, कभी किसी चौराहे पे एसपी आईजी को खड़े हुए देखा है कि कानून व्यवस्था खड़े करते हुए इस राजधानी में? हमने देखा है साहब, भोपाल में भी देखा, इस रायपुर में भी देखा, पन्नालाल जी साहब को देखा हूँ मैंने, आनंद साहब थे एसपी, उसको रायपुर के चौराहे पे खड़े हुए कंट्रोल करके लाइन ऑर्डर मेंटेन करते हुए देखा हूँ। आज तो रात को दो दो तीन तीन बजे तक दुकानें खड़े होकर मस्ती करते हैं, कानून को वो अंगूठा दिखाते हैं, तो उनके खिलाफ में कार्रवाई काहे नहीं करते? तो हमारे साथ राजेश मुड़त थे, और जो रोने का वीडियो वायरल हो रहा था उसके पीछे क्या कहानी थी वो बता रहे हैं। और उसमें ये उन्होंने कहा है कि जो छत्तीसगढ़ की जनता कानून व्यवस्था को लेकर ज़्यादातर परेशान है क्योंकि उनकी FIR दर्ज नहीं होती है, इसी पीड़ा को नाटकीय रूप से बताने की कोशिश कर रहे थे। रायपुर से VP News के लिए रवि मरी।